ठाकुर जी के भक्त होते हैं ना, उनका जीवन हमेशा आपत्ति में रहता है, विपत्ति में रहता है, पर विपत्ति इनके प्यारे के जीवन में कभी भी बाधक नहीं बनती, वो इसको साधक बना देती है। तो ऐसे ही हिम्मत दास जी हुए हैं, चाहे कहीं से उधार लेके दे चाहे कैसे दे, लेकिन उनके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता, लेकिन वो हर समय केवल एक ही रटना लगाए रखते थे। आओ, जो भक्तों ने जिस नाम का सहारा लिया, हम भी उसी नाम की रटना लगाएं। जो संतों ने हमें वाणी प्रदान की है, सब मेरे साथ मिलकर गुनगुनाएं, सब ने ये कथा सुनी है, आओ इस कथा को दोबारा से श्रवण करें। मेरे ठाकुर जी सुनना चाहते हैं स्वयं आकर। तो क्या कहते हैं हिम्मत दास जी हर वक्त? शाम मेरो चंदा चकोरी शाह प्यारी, मेरो चंदा चकोरी शाह प्यारी, सब आती है ना, बोलो मेरे साथ। चकोरी श्यामा प्यारी, रस घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रंग घोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रंग घोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, जिस जिसका श्याम है दोनों हाथ उठाकर, ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम मेरे करने जाया करते थे। 3 बजे उठ के चल देते थे, रास्ते में पूरा जंगल पड़ता था। कई बार मंदिर के गोसाई जी ने कहा कि हिम्मत दास जी आप इस मंदिर का पूरा कारोबार सारा भार संभाल लीजिए ना, वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे ही थे, इतनी दूर से आना है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि का यज्ञ समान। हमारा एक एक कदम हमारी साधना है। लोग कहते हैं कि दीदी आप संकीर्तन पे जाते हो थक नहीं जाते? अरे संकीर्तन थकाता नहीं है, संकीर्तन तो हमें ताकत देता है, बल्कि जिस दिन हरि नाम नहीं मिलता उस दिन हम घर में परेशान हो जाते हैं। आप ही होते हो ना, तो दोनों हाथ उठा के कह दो, ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम सरकार के दर्शन को। शाम में दो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, 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 चकोरी श्यामा प्यारी, रस घोरी श्यामा प्यारी, घोरी श्यामा प्यारी, रस घोरी श्यामा प्यारी,
अचानक रास्ते में कुछ चोर लुटेरे जा रहे थे, घर से निकले हैं चोरी करने के लिए। देखा सामने से एक पथिक जा रहा है, एक यात्री जा रहा है, क्यों ना इसी को लूट लिया जाए। और वो कोई और नहीं, मेरे ठाकुर के प्यारे हिम्मत दास जी थे। चोरों ने एकदम उन पर आक्रमण किया, खूब उनकी जो झोला था छाट लिया, कुछ नहीं मिला। बोले आज तो सुबह सुबह बोनी नहीं, पता नहीं किसका मुंह देखा है, इसके पास तो कुछ नहीं। तेरे पास कुछ नहीं है क्या? बोले है ना। क्या है? मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। किसी को चाहिए क्या? पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। या है खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, खर्चे नाही कोई चोर न लेवे। ये तो दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। हमने भी पाया है वो मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। तो चोर कहने लगे ऐसे तो बात बनेगी नहीं, खाली हाथ तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से खाली हाथ चले गए, बोनी नहीं हुई, तो सारा दिन खराब जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, कुछ और नहीं मिला तो हिम्मत दास जी के मंजीरे चुरा लिए। अब वो बेचारे क्या करते, दे दिए भैया तू ले जा, तुझे ज्यादा जरूरत होगी। मंजीरे लेके चल दिए चोर, और इधर से हिम्मत दास जी दर्शन के लिए चले हैं। अभी हिम्मत दास जी कुछ कदम आगे ही गए थे, चोरों ने उस मंजीरों को लिया, भागने लगे। अचानक आंखों से दिखना बंद हो गया। जय जय सरादा। ओ मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। चोर सोचने लगे, लगता है भैया आज कुछ ज्यादा बड़ी गलती हो गई, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। दूसरे से पूछा तुझे दिख रहा है? बोला मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। चारों पांचों को दिखना बंद हो गया, समझ गए। बोले उसी के पास चलते हैं जिसका ये मंदिर है, वही इलाज करेगा। समझ गए कि भक्त पास ही है, वो अपनी मस्ती में गा रहे हैं। मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, वो मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। पीछे वाले में बोले आत्मा भी है ये। मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, हाँ मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। जैसे ही सुनाई दी कि अब पास में, अरे बाबा रुको, हिम्मत दास जी ने मुड़ के देखा, अरे भैया क्या हुआ, पैरों में गिर गए। बोले ये पकड़ो अपने मंजीरे, हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ? बोले जब से तुम्हारे यहाँ डाका डाला है, हमारे आंखों की रोशनी चली गई, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अब आप ही कृपा करो। बोले ठीक है, कृपा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अपने मालिक से कृपा करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी उसका दास होना पड़ेगा। और अगर एक बार उसके हो गए ना, तो फिर ये जगह जगह मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है, समर्पण कर दिया। और जैसे ही ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले अब चलो मेरे साथ, जो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलो, और चलो मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने, तुम्हारी आंखों की रोशनी अपने आप वापस आ जाएगी। जैसे ही उन्होंने बोला मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, ओ मेरे शाम।
बन गए। अब गले में उसके नाम का पट्टा डाल के भक्त मेरे भगवान दे भोकण सारी रात भोंक भोंक के सो गए फिर भोकण पर बात क्या बोलते हैं ओ मेरे संत 15-20 संत जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए निकले। अब एक दो दिन हो गए थे चलते चलते, रास्ते में हिम्मत दास जी का गांव पड़ा तो किसी से पूछने लगे, भैया यहाँ पे किसी ठाकुर जी के भक्त का घर है क्या? अब वो जो पड़ोसी होते हैं, जब तक मीरा जी धरती पर थी उनकी कदर किसी को नहीं थी, कदर तब थी जब मीरा जी चली गई। तब तक तो आस पास जितने भी हैं मजाक मस्ती करने वाले, उन्होंने कहा हाँ भैया यहाँ पे एक ठाकुर जी के प्यारे का घर है। उन्हें पता था कि हिम्मत दास जी के घर होता नहीं है ज्यादा कुछ खाने, फिर भी उनके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। साई इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ ना भूखा जाए, ऐसी भावना है। उन्होंने हिम्मत दास जी का पता दिया, सीधा हिम्मत दास जी की कुटिया पर गए, दरवाजा बजाया, अंदर दोनों पति पत्नी भजन कर रहे थे, दरवाजे पर आवाज आई, संत वहीं रुक गए, लगता है कोई नाम संकीर्तन कर रहा है। शाम मेरो चंदा चकोरी सुना, दरवाजा बजाया, अरे हिम्मत दास जी है क्या? हिम्मत दास जी आए, दरवाजा खोला, देखा नी मैं उच्चिया पाता वाली, आज संत मेरे घर आए, नी मैं उच्चिया पाता वाली, आज संत मेरे घर आए। प्रसन्न हो गए, आज की तरह नहीं है, माथे पे बल आ जाते, ये कहां से आ गए, हमें तो भी निकलना था, जरूर पैसा मांगने आए हैं। तो प्रसन्न हो गए दोनों पति पत्नी, उन्हीं में जगाए मैं उठिया बाबाली, मेरी कुटिया दे बाग जगाए। स्वागत किया, आइए सरकार आधारी आसन दिया। बोले जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए चले थे, दो दिन से कुछ खाया नहीं है, सोचा तुम्हारे यहाँ बैठे थोड़ी देर गोपाल जी को स्नान ध्यान करा के खुद भी करें, भोग लगाएं, इनको प्रसाद पाएं, थोड़ी देर नाम संकीर्तन हो, विश्राम करें और हम फिर अपनी यात्रा को चल दे। हिम्मत दास जी कहने लगे इसमें क्या बात है, आप बैठो अभी प्रसाद तैयार होता है, आप स्नान ध्यान कीजिए। प्रसन्नता से जा रहे हैं, मालती को आवाज लगाई, मालती, मालती समझ गई, अंदर बुलाया, बोले अभी इतने संत आए हैं ना, इनके भोजन की व्यवस्था करो। सरकार कहां से करूं, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। बोले मैं बनिया से उधार ले आता हूं, वो भी नहीं देगा, पिछला उधार इतना है, तेरे पास कुछ ऐसा रखा है जिसे मैं गिरवी रख दूं, अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं बचा प्रभु। चिंता में पड़ गए, फिर याद आया मालती को, अरे रुकिए रुकिए, क्या हुआ, मेरे सुहाग की निशानी मेरी नथ पड़ी है, उसे गिरवी रख दो। अरे मालती ये क्या बात कर रही हो, अपनी सुहाग की निशानी, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे नहीं,
मेरे पति का सुहाग ये संत है, मेरे पति का सुहाग खुश रहे तो मेरा सुहाग खुश होगा, और अगर मेरा सुहाग प्रसन्न है तो मुझे और क्या चाहिए। जब ऐसी पत्नी आ जाए ना जीवन में, ऐसा जीवन साथी आ जाए ना, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। तीन संत बैठे हैं, तीनों ठाकुर जी का शुक्रिया कर रहे हैं। आपस में चर्चा करी, बोले मैं तो बड़ा खुश हूं कि मेरी पत्नी मेरे अनुकूल है, बड़ी कृपा है सरकार तेरी, कम से कम बैठ के इकट्ठे तेरा भजन तो करते हैं। दूसरा कहता है मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी पत्नी मेरे अनुकूल ही नहीं है। बोले आप किस भाव से शुक्रिया कर रहे हैं? बोले अगर मेरे अनुकूल होती तो मेरा उससे मोह बढ़ता, प्रेम बढ़ता, अच्छा हुआ वो मेरे अनुकूल नहीं है, जितना लड़ती है उतना मेरा भजन बढ़ता है। तीसरा संत कहता है मैं तो वैसे ही प्रसन्न हूं कि मेरा विवाह ही नहीं हुआ, एक मैं हूं और मेरा प्यारा है, राजी है हम उसी में। हंसकर कटे या रोकर कटती है जिंदगानी, कोई गम दे या खुशी दे ये उसकी मेहरबानी, उसकी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह हवा है और यूं। अब हिम्मत दास जी, उनकी हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने मालती की नथ ली और सीधा भागे गए बनिया की दुकान पर, और संत भगवान स्नान ध्यान करके पूजा पाठ में बैठे हैं। होनी में उच्चया पाजाली, आज संत मेरे हरियाणा, क्यों ना शगन मनावा मेरी पिया दे भाग जगाए, क्यों ना शगन मनावा मेरी कुटिया दे भाग जगाए। मदासी दौड़े दौड़े गए, आवाज लगाई परमेश्वरी, ये लो फिर आ गया उधार लेने, कोई उधार नहीं है, चलो यहां से पिछला तो चुकाया नहीं, फिर उधार लेने आया होगा जरूर। अरे नहीं नहीं सुनो तो सही, मैं उधार लेने नहीं आया, मेरी पत्नी के नाक की ये नथ है, इसे गिरवी रख लो, पिछला हिसाब चुकता कर लो, जो रह जाएगा वो बाद में दे जाऊंगा, और जब मेरे पास पैसा आएगा ये नथ छुड़ा लूंगा तुमसे, लेकिन मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मेरे घर संत पधारे। नथली गिरवी रखी, राशन दिया, रसीद बनाई, कहने लगे अब इस पे हस्ताक्षर कर दो, जब तुम आओगे ये पर्ची मुझे दे देना और मैं तुम्हारी नथ तुम्हें वापस कर दूंगा। अब हस्ताक्षर करने की बात आई तो हिम्मत दास जी कहने लगे देखो मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मुझे हस्ताक्षर करने नहीं आते। बोले कोई बात नहीं, अंगूठा ही लगा दो। अंगूठा लगवा लिया और नथ रख के राशन लेके चल दिए, मालती को राशन दिया, बोले तू भंडारा तैयार कर। संत कहने लगे हिम्मत दास जी आप बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे थे, जरा हमें भी सुना दो। वो बोले मुझे तो कुछ नहीं आता। बोले जो गा रहे थे वही सुना दो, कैसे चल रहा है? तो कहने लगे चलना कैसे है, सरकार की कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। कहने लगे कोई बात नहीं, जो कीर्तन गुनगुना रहे थे वही गुनगुना दो ना। शाम मेरो चंदा चकोरी चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी। संकीर्तन विश्राम हुआ, मालती जी ने भोजन प्रसाद तैयार किया, भोग लगा, प्रसाद सब संतों ने ग्रहण किया, थोड़ी देर विश्राम करके संत चल दिए। अब हिम्मत दास जी ने संतों की जितनी जूठन प्रसादी, जिसको शीत प्रसादी बोलते हैं, उस शीत प्रसादी को कहा मालती जरा इसे संभाल के रख, मैं जरा स्नान करके आता हूँ नदी में, और उसके बाद आकर इकट्ठे मिलकर प्रसाद खाते हैं।
मालती के लगी ठीक है, आप जाओ तब तक मैं चौका लेपन कर लेती हूँ, फिर कितने प्रसाद पाएंगे, हरि नाम भजन करेंगे। हिम्मत दास जी चले गए। अब वो जो बैठे हैं वो कैसे शांत बैठ सकते हैं? किशोरी जी से बात कर रहे हैं, अरे आज तो हद ही हो गई। बोले क्या हुआ? मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। क्या हुआ? आज मेरे भक्त ने मेरे संतों की खातिर हिम्मत दास जी की पत्नी को अपनी नथ गिरवी रखनी पड़ी, वो भी सुहाग की निशानी में। मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ, शर्म आ रही है मुझ पर। किशोरी जी कहने लगी अब क्या करोगे? बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नथ छुड़ानी है जाकर, योजना बनाई। बोले लेकिन अगर मैं साक्षात चला जाऊंगा तो ये वैसे ही नहीं पीछा छोड़ेंगे। ठाकुर जी ने योजना बनाई, बोले अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आए हैं मृत्यु लोक में, धरती पर आज उन्होंने फिर से रूप धारण किया है उसी हिम्मत दास जी का। अब नकली हिम्मत दास जी धरती पर आ गए। अब हिम्मत दास जी का रूप तो बना लिया, बोले अब मैं वैसे भाव कहां से लाऊं? ये सब तो मुझे पहचान लेंगे। अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन गांव वालों को सबको विश्वास हो जाए कि मैं ही हिम्मत दास हूं। करे क्या? बोले वो मेरा भक्त ना, वो एक कीर्तन करता है मेरे नाम का। चलो उसी कीर्तन के साथ शुरुआत करते हैं। अब नकली हिम्मत दास जी धरती पर आए हैं और कीर्तन कर रहे हैं। हर शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यार, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यार। भैया मोबाइल मुझे दे दो, मेरे पास मोबाइल नहीं है। सब नंबर मांगते हैं, मेरे पास मोबाइल ही नहीं, कोई ले ले। मोबाइल नहीं निकलने चाहिए, सदुपयोग करो। चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रंग भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रंग भोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो श्यामा प्यारी। अब जब नकली हिम्मत दास जी धरती पर आए, वो भी स्वयं साक्षात ठाकुर जी, जब वो हरि नाम कर रहे हो तो कैसा जादू चला होगा वहां पर? जब उन्होंने एक बार बांसुरी बजाई थी, गजब की बांसुरी बजती है बंसीधर बजैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ ना काम चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। अब जितने गांव वाले हैं सब अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आज वही माहौल बन गया जैसे कि शाम की बांसुरी बजी हो और गोपियां जिस भी हालत में थी दौड़ी चली आई। आज गांव वाले लोग भी सोचने लगे कि आज हिम्मत दास जी की जो आवाज आ रही है, सुनते तो रोज ही, लेकिन आज इनकी आवाज में कुछ अलग बात है। ऐसा लग रहा है ये आवाज अपनी ओर खींच रही है हमें, ये बार बार हमें बुला रही है। लेकिन मेरे ठाकुर जी मीठा मीठा गुनगुना रहे हैं, हर शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। आप भी ऐसा अनुभव करो, पता नहीं किसको महसूस हो जाए कि अभी तुम्हारे आगे से सर करके निकल गए। अनुभव तो करो ऐसा। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। एक एक करके गांव वाले आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब आगे नकली हिम्मत दास जी गा रहे, पीछे गांव वाले गा रहे।
जिस गली से गुजर लिए काफिला तैयार हो गया, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे लोग। अब इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को, बोले वो मेरा एक नाम ले लेता है, हर वक्त लेता रहता है, जरा मैं भी लेके देखूं कि नाम लेने में कितना आनंद होता है। मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, ओ मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, हाँ मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, ओ मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। ठाकुर जी की आंखें बंद हैं, वो डरे हुए हैं कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, आंखें बंद की और जोर जोर से नाम ले रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं अरे ये नाम लेने में कितना आनंद आ रहा है। आज मुझे पता चला कि मेरे भक्त मेरे नाम पे नाचते क्यों हैं, मेरे भक्त मेरे नाम पे झूमते क्यों हैं, अरे मेरे नाम में मस्ती ही इतनी है। ठाकुर जी स्वयं अपना नाम लेके नाचने लगे, ओ मेरे छुड़वाने, इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। बोले ज्यादा बात नहीं कर, जो काम का है उसको कर, मुझे बहुत जल्दी है। ठाकुर जी बेचारे पसीने छूट रहे हैं क्योंकि असली हिम्मतदास जी आने वाले, कितनी देर स्नान कर लेंगे।
कहने लगे जल्दी से नथ दे। बोले बताओ तो सही इतना पैसा। अरे दे दिया कोई सेठ आया था उसने दे दिया। तो जल्दी नथ ले गया वो नथ ले गया। बोले रसीद। बोले तेरे पास है ना उसकी जो दूसरी कॉपी रखी है वो ले गया। बोले क्या आया पेन दिया कलम दी। बोले लो अब इस पे हस्ताक्षर कर दो ताकि सबूत हो कि तुम नथ छुड़ा कर ले गए। अब ठाकुर जी ने कलम पकड़ी जैसे ही हस्ताक्षर करने लगे याद आ गया अरे क्या करने लगा था भी पकड़ा जाता मैं। हिम्मतदास तो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो तो अंगूठा छाप रहे। कहने लगे परमेश्वरी परमेश्वरी भी देख रहे कुछ अलग सा ही है। बोले तेरी कलम क्यों दी आपने कही तो दी ये कलम पकड़ तुझे पता मैं पढ़ा लिखा नहीं अंगूठा अब त्रिलोकी की सरकार का अंगूठा जब परमेश्वरी के हाथ में आया होगा तो क्या दृश्य होगा। मानो एक पूरे शरीर में करंट सा लग गया रोमांच। अंगूठा छूते ही ठाकुर जी का परमेश्वरी की आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्या हुआ रोने लगा। ठाकुर जी अंगूठा लगा रहे हैं साथ साथ गा रहे हैं मेरे श्याम मेरे श्याम। आज परमेश्वरी की मांग क्या है एक काम करोगे पता नहीं आज तुम्हारे स्पर्श में क्या बात है। मेरा मन कर रहा है कि जो तुम भजन करते हो मुझे भी सिखा दो। मैंने आज तक कभी प्रभु की शरण में नहीं गया मैं विश्वास नहीं करता पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उसका नाम सुन। ठाकुर जी कहने लगे अच्छा चल एक बार मैं बोलता हूँ एक बार तू बोल। मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम मेरे श्याम। ठाकुर जी फिर मस्त हो गए याद आया रे भैया भागो यहां से। परमेश्वरी बैठ गया अपने भजन कीर्तन में। ठाकुर जी गए हिम्मतदास जी का दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाने ही लगे थे अंदर से मालती बोल रही है और पास से ठाकुर जी बोल रहे हैं मेरे श्याम मेरे श्याम। एक बार मालती एक बार ठाकुर जी यही आवाज आ रही है ओ मेरे श्याम। दरवाजा बजाया मालती मालती ने दरवाजा खोला आ गए इतनी जल्दी आपको तो भी और समय लगना था। बोले नहीं नहीं मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ घर जाऊंगा। बोले क्या बात है इतनी जल्दी किस बात की। बोले कुछ नहीं किवाड़ दरवाजे से अंदर गए कहने लगे मालती ये देख ये पढ़ी है तेरी नथ। मालती कह रही है वो क्या रहा है किस बात की जल्दी नथ नथ कहाँ से आई तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से है। बोले परमेश्वरी से छुड़ा के लाया इतने पैसे कहाँ से आए। बोले मिल गया था कोई भक्त मिल गया था उसने पैसे दे दिए नथ पकड़ नथ पकड़। कहने लगी सरकार मालती चौका लेपन कर रही थी हाथ पूरे मिट्टी से सने थे। कहने लगी ये नथ पकड़। बोले मैं कैसे पकड़ सकती हूँ मेरे हाथ में तो मिट्टी लगी है मैं तो चौका लेपन कर रही थी। बोले मैं वहां रख देता हूँ वहां क्यों रख दोगे छोटी सी चीज है अभी काम आई है आगे भी आ जाएगी कहीं खो गई तो क्या करूं। बोले करना क्या है मेरे नाक में ठाकुर जी बच रहे पर स्त्री को कैसे छू सकता हूं मैं तो नकली हिम्मतदास हूं। नहीं सरकार आपको पहनाना पड़ेगा मैं वहां रख देता हूँ नहीं नहीं खो जाएगी। बोले अच्छा नहीं लगता क्या नहीं अच्छा लगता लोग कोई देखेगा बुढ़ापे में हिम्मतदास जी को क्या हो गया ये। बोले पति हो मेरे पत्नी हूं मैं आपकी नती तुम्हें पहना दो ना। ठाकुर जी बड़े बहाने लगाए
लेकिन नहीं मानी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते दे। आज मालती जिद पर आ गई, सरकार पहनानी पड़ेगी। अब ठाकुर जी अपने हाथ से मालती के नाक में नथ पहना रहे हैं। बड़ी कोशिश की कि स्पर्श ना हो। प्रभु खेल निराले करते हो, 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 प्रभु खेल निराले करते हो। जो तेरा तम भरते, जो तेरा तम भरते हैं तुम उसका पानी भरते, तुम उसका पानी भरते हो, तुम उसका पानी भरते हो। लेकिन बात तो सारी प्रेम की है ना। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो मोद भरा ब्रज धाम में, इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, दिलनी का मुझे बोला पन भा गया, दिलनी का मुझे बोला पन भा गया, दिलनी का मुझे बोला पन भा गया। मेरी सरकार का स्वभाव है, ठाकुर जी नथ पहना रहे हैं, मालती पहन रही है, सोच रही है कि स्पर्श ना हो, लेकिन जैसे ही स्पर्श हो ही गया नाना करते। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। से मुरारी बन गए, नाग पिटारी।
परात को छूत नहीं अखियन के जलसो पग देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई देख सुदामा की दशा वो राघवेंद्र सरकार के रूप में दर्शन दे दे। बस इतनी बात थी। भाव तुलसीदास का पूरा किया छोड़ मुरली धनुष धारी जीवन चरित्र देख लेना जिस रूप में याद किया होगा वो आए जरूर होंगे जिस जिसके जीवन में आए हैं दोनों हाथ उठा के कहना प्रेम के बंधन में मोहन सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी प्रेम था मालिनी कुबजा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था बाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी प्रेम था अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में अरे वन में भी जाकर था खाया द्रौपदी के थाल में क्या समझ कर बंध गए वो नंदे के जंजाल में और जिसके झूठे पैर खाए उसकी क्या औकात थी दरअसल हीरे चमन ये तो प्रेम की बात थी ठाकुर जी मत कहना रहे हैं मेरे शान मेरे शान मेरे शान शाम की ओर धीरे धीरे चले कथा भी विश्राम है और समय भी अपनी मर्यादा को लांघ रहा है इसलिए दोनों हाथ उठा के ओ मेरे जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श पाया
तो मालती भी पहचान क्या है प्रभु के प्यारों की। मम गुण गावत कुलक शरीरा, ये तो स्पर्श हुआ है ठाकुर जी के प्यारों की। ये पहचान होती है, ये लक्षण होते हैं कि जहां पर उनके ठाकुर जी का नाम ही आ जाए तो उनकी आंखें झरझर बहने लगती है। मम गुण गावत कुलक शरीरा, अरे गद गद बहे नयन जल नीरा, गद गद बहे नयन जल नीरा, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, अरे नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। मैं नहीं कह रही राम मानस कह रही है कि नाम जपो चाहे जैसे भी जपो, भाव से कुभाव से ओ मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। मालती जी मदन हो गई कीर्तन में। अब नकली हिम्मतदार जी कहने लगे जाएं कैसे, उन्होंने हिलाया मालती, अब कीर्तन नहीं करके रहेगी या कुछ खाने को भी देगी। अरे वो जो आप संतों की जूठन रखे गए थे ना, हाँ वही तो खानी है मैंने, वही तो मेरा भोजन है, मैं भगतन को दास, दास मेरे मुकुट मणि। उन्होंने संतों की जूठन ली, अब नकली हिम्मत दास जी प्रसाद का। मालती फिर सोच रही मेरे कान बज रहे हैं क्या, ये तो भी सोने गए थे फिर क्यों आवाज लगाई, फिर किवाड़ बजा। अरे मालती दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, ये तो अंदर सो रहे थे बाहर कैसे आ गए, बाहर चले गए होंगे। दरवाजा खोला सामने हिम्मतदास जी खड़े मालती के हाथ में सास आ रही है। मालती ये क्या, बोले क्या हुआ तू आज मुझसे पहले ही प्रसाद पा रही है, आज तक तो तूने ऐसा नहीं किया, पहले पा रही है, पहले मुझे ये बताओ आप अंदर सो रहे थे आप बाहर कब गए, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले मैं बाहर कब गया, मैं तो बाहर ही गया था नदी स्नान करने में, तुझे बोला तो था, क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो आप आए थे, एकदम नजर पड़ी नाक पर, चल बाकी बात बाद में, बोले नथ कहाँ से आई, बोले नथ कहाँ से आई, पगला गए हो क्या, आप ही तो लाए हो, आपने तो पागल है, मैं कब आया, मैंने बोला मैं स्नान करने के लिए गया था, बोले आप ही तो पहना गए हो ऐसे कैसे, कहने के तो चुप रहे, दौड़े दौड़े गए परमेश्वरी के पास। अरे परमेश्वरी वहां जाकर देखा तो परमेश्वरी अपने ही काम धंधे में लगा है। मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे बोले सरकार आप ही तो लेके गए हो, मैं लेके गया हूँ, हिम्मत दास जी को सूझ नहीं रहा कि आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बोले तू नाम संकीर्तन आपने सिखाया मुझे, आप तो बड़ा अच्छा कीर्तन सिखाते हो, परमेश्वर ही पागल सा हो। फिर वापस मालती तू बता सच सच क्या बात है। बोले बात क्या है, आप बताओ बात क्या है। समझ गए कौन आया था, आप ही तो आए थे। अच्छा ये प्रसाद भी तो आपने दिया है, छीन लिया। अच्छा ये बता जो आया था वो कहाँ है। उन्हें कैसा सवाल है, बता तो सही। बोले आप ही आए थे, आप ही अंदर सोने गए थे, अंदर सो रहा है, दौड़े दौड़े गए देखा तो अंदर कोई नहीं था, रोने लगे, मालती के पैरों में गिर गए कि मालती तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है,
भजन तो मैं भी करता था, लेकिन शायद मुझ पर अभी कृपा नहीं हुई, तुझ पर पहले हुई। आज मुझे खुद चलन हो रही है तेरे भाग्य से। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले मालती जो आया था वो कोई और नहीं था, हमारा प्यारा ही था। बोले क्या? वो तो मुझे अपने हाथ से नच पर ना। मालती तो बड़ी भाग्यशाली है, आज मुझ पर भी कृपा कर गए। कुछ नहीं सोचा सरकार मुझसे क्या गलती हो गई। दौड़े दौड़े गए, 7 कोस की दूरी तय करके मंदिर में, मंदिर के पट बंद हो गए। बोले सरकार इतनी नाराज की, थोड़ी देर इंतजार कर लिया होता मुझे भी दर्शन हो जाते। सारी जिंदगी बीत गई आपका इंतजार करते हुए। पंडित को बहुत बोला कि एक बार दर्शन करने दे मुझे, उन्हें मना कर दिया कि अब दर्शन सुबह ही खुलेंगे। बोले ऐसे तो जाने वाला मैं भी नहीं। रोने लगे, सर पटकने लगे अपना, सरकार मुझसे क्या गुनाह हो गया, कौन सा अपराध है मेरा ऐसा जो आप मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे। माना मैं इस योग्य नहीं, जो तेरी कुछ कह लो नहीं, निज भाव तुझे समझाऊं, माना मैं इस योग्य नहीं, धर भेंट तुम्हें अपना। सुल्तान नहीं रूपमान नहीं, फिर कैसे तुम्हें रिझाऊं। पर लोग कहे मैं तेरी चादर, तेरे लोग कहे मैं तेरी चादर, क्यों दर दर ठोकर खात कन्हैया। सुनो हमारी सुनो ना, पट खोल पुजारी ने आई, पट खोल पुजारी ने आई, वो तेरा रूप निहारन आई है, तेरा रूप निहारन आई है। छुप क्यों दासी के बीत गए, क्यों दासी के बीत गए, वो छुप क्यों दासी के बीत गए, खारिन क्या। मन भाई नहीं पुजारिन क्या, मन भाई नहीं पुजारिन क्या, मन भाई नहीं पुजारिन क्या। बार बार तेरे मन में राते जब मन करता है प्यारे जी की याद आई, प्यारे जी चले गए,
मैं भी कहती हूँ प्यार तो एक बार में हो गया, लेकिन बाद में तुम क्या करने आते, जरा तुम भी तो सोचो। हम तेरे हो गए ये कह चुके हम बार बार बाबा के पास घाट पर क्या करने जाते हैं। दिल में है तस्वीरें यार की, जब जी चाहिए गर्दन झुकाई देख ली, फिर भी अभी आपने नहीं जाने की तैयारी पहले होती है। जब जाने का समय आता है तो मन में कसक से उठती है, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे अपने प्यारे के पास। खड़े रहते हैं वहां घंटों घंटों, क्या करते, क्या सुनते, केवल यही सुनने के लिए सरकार मैं तो तुम्हारी हो गई। कब अपनी कह के पुकारो, कब अपनी कह के पुकारो, जिस दिन मैं मंदिर से बाहर कोई दिन ऐसा भी तो आएगा जब तुम मेरा नाम लेके डूबेंगे। थोड़ी देर और रुकना, उससे कुछ बात करनी है, क्या कोई दिन ऐसा भी आएगा, या फिर हम भी दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे जैसे सब। यूं तो तुझे चाहने वाले लाखों हजार होंगे, पर मुझ जैसे तीन दुर्बल बस दो ही चार। पापों से नहीं बच पाया मैं, गुनाहों से नहीं बच पाया, फिर भी एक उम्मीद है मुझे, कोई दिन आएगा कि तुम मुझे आवाज देकर बुलाओगे। कब अपनी कह के पुकार, कब अपनी कह के पुकारोगे, कब बिगड़ी नाथ सवारोगे, कब बिगड़ी नाथ सवारोगे, बोलो बोलो हरी कब आओगे। कब करुणा कोर निहारोगे, क्यों निष्फल दासी के बीत गए, हम हार गए तुम जीत गए। पट खोल पुजारिन आई है, तेरे द्वार पड़े युग की चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ गोपाल, चले आओ गोविंद, चले आओ गोपाल, चले आओ गोविंद, चले आओ गोपाल, चले मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। तुम सितम पर सितम करते रहे मुझ पर, और मैंने उस तक न की, वो सितम पर सितम करते रहे मुझ पर, और मैंने उफ तक न की। ये मेरे सबरो करार की हद थी, ऐ कमल नैन तेरी याद में ये नैन बरसों से ही बरसते, मेरे गालों पे तरस खा कान्हा तेरी मुरली को जो तरसते। मेरे इस
इस दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते। अगर मेरे पापा को देखकर तुम मुख मोड़ रहे हो ना, तो मेरी गलती क्या है? मैं भी तो संसारी जीव हूँ, मैं भी तो उसी दुनिया में रहता हूँ। गुनाह करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूँ ये मेरी शराफत है। जब मैंने पाप किया तब रोका क्यों नहीं? मैं तो समझा था कि आपकी इजाजत है। मेरे इस दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते? जिस बस्ती में तुम नहीं बसते, ऐसी बस्ती में पाप बसते। पुकारे सदना तो तोड़ कर आना, पुकारे सदना तो तोड़ कर आना। मैं पुकारूं तो कहना सिमरन कर। एक से मिलना एक से टाल मटोल, ये तो उस्तादियों के रस्ते। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों? मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों? इतना मुझे बता दे, इतना मुझे बता दे, मुझसे छिपा क्यों? उसका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों? उसका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों? कईयों को दूर रखा, कईयों को पास रखा। समदर सी नाम तेरा, फिर ऐसा जनाब क्यों? समदर सी नाम तेरा, फिर ऐसा जनाब क्यों? पुकारने लगे दोनों हाथ उठा के, खुले है खुले है खुले है मन मंदिर के ¡Gracias!
के पट अपने आप खुल गए। हिम्मत आजी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, सरकार ने दोनों भुजाओं से प्रेम से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। आओ प्यारे,